Hello, assalamualaikum Pakistan, and good morning everyone. और अभी मैं जब बाहर आई हुई हूँ, आज है मंडे और मंडे के दिन काफी मसरूफ रहते हैं, लेकिन आज का जो मंडे वो स्पेशल है क्योंकि इस्लामाबाद में ऑफ सब कुछ बंद है. लेकिन अभी मैंने ये सोचा कि मैं जाऊंगी, और जाना कहाँ है जनाब, एक मीटिंग है वहां जा रही हूँ, और आई होप कि अच्छी हो जाएगी. और वैसे तो ऑफ डे पे किसका दिल करता है बाहर निकलने की, मेरा दिल करता है. सो ब्लॉग को शुरू करते हैं, इससे पहले कि वक्त कहीं निकल ना जाए, तो चलो शुरू करते हैं. सो यार, शो के कुछ ये अपडेट है कि आज हमारी ट्रांसमिशन जो है वो कराची शिफ्ट हो गई है. तो सो आज तुम लोग इन्जॉय करोगे कराची की ट्रांसमिशन को, और यकीन कुछ लोग कर भी रहे होंगे. लेकिन थर्सडे तक जो है, नहीं, थर्सडे से नॉर्मल हो जाएगी सारी ट्रांसमिशन, लेकिन उससे पहले पहले जो 3 डेज है ये आपको सारी ट्रांसमिशन जो है वो कराची से सुनने को मिलेगी. तो इन्जॉय करो, कोई बात नहीं, कभी कभी चेंज भी अच्छा लगता है. और मैं आज के पूरे दिन क्या करने वाली हूँ ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी. आज मैंने क्या खाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें. और नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में बड़ा जो पिंडी इस्लामाबाद से मुझे देखते हैं ना, उनके लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है. तो बाहर का जो मौसम है वो कुछ ऐसा है, और काफ़ी धूप भी है, गर्मी है, लेकिन रात में इतनी ठंड हो जाती है इस्लामाबाद में. ओह माय गॉड, लाइक एसी तो कब से बंद हो चुके हैं, लेकिन ये है कि अब फैन में भी जो है ना अच्छी खासी आपको ठंड लगती है. अच्छा, ये जो मुझे आज सबसे अच्छी बात वो लग रही है वो ये है कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह. नजर नहीं लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आवाज मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, और अपनी आवाज सुन के भी अच्छा लगता है. कुछ ऐसा ही सीन है. अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी एक फ्रेंड का, वो आ जाए तो फिर हमने आगे सफ़र करना है, और आगे के सफ़र में क्या होने वाला है बाहर के कुछ माहौल आपको दिखाऊंगी. लेकिन यार बस मैं इस बात पे खुश थी कि यार शुक्र है मेरी आवाज़ ठीक हो गई है, और मैं वापस आ चुकी हूँ. ओह माय गॉड, रेडियो को बहुत मिस कर रही हूँ. एक तो वो थर्सडे का मेरा शो कुछ मसरूफियत की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे हैं, शो नहीं कर रही हैं. और उनके लिए ये है कि मैं अभी क्योंकि थर्सडे का जो मेरा शो है वो मैंने कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ डेज के लिए, लाइक दिसंबर तक, वो किसी और को दिया है. लेकिन उसके बाद ये है कि मैं वापस आ जाऊँगी. लेकिन मंडे ट्यूसडे 2 दिन का जो है फिलहाल मैं शो कर रही हूँ, तो वो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करोगे. चलो यार, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. मुझे रेड नेल्स पेंट मुझे बहुत पसंद है, मुझे अपने नेल्स बहुत पसंद है. और लेकिन बुरा तब लगता है जब ये टूट जाते हैं, लाइक जैसे ये मेरे नेल्स टूट गए थे. और दूसरे हाथ के अगर मैं दिखाऊं तो इसके काफ़ी मेरे नेल्स, ये वाला टूट गया था कल, बड़े बुरे तरीके से मैं काम कर रही थी, और ये वाला भी. तो ये 2 नेल्स मेरे टूटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेल्स तो फिर बढ़ जाएंगे. लेकिन अच्छा लगता है, और काफ़ी डेज बाद मैंने रेड नेल्स पेंट लगाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो दोस्तों, फिर ये हुआ कि चाय की तलब हो रही थी, और हम पहुंचे वहाँ पर जहाँ पर मुझे मीटिंग करनी थी. और यहाँ पर मटका चाय जो है वो ऑर्डर किया, और क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी किया हुआ था. लेकिन मैंने ये सोचा चलो यहाँ पर शूट कर लेते, लेकिन चाय इनकी 10/10 मैं इनको दूँगी. और काफ़ी लंच की खैर तैयारी हो रही थी वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही थी. और जो कि खाया हुआ इतना था, लेकिन फिर भी जो है ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी. और यस, फिर हमने ये सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम जो है हम यहाँ पर लंच या डिनर कर सकते हैं. लेकिन चलो जी, ये फूड स्टफ्स जो है ना आप देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो यार ये भी एक काम की चीज़ है. फिर वहाँ से फ्री होने के बाद तो जो काम परदेश पहुँचे, और जहाँ भी पहुँचना था वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी व्यू बड़ा ज़बरदस्त था. और इनकी सिटिंग एरिया है देखिए, मतलब लश पश लाइटिंग ऐसे ही इन्होंने की हुई थी. लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने ये सोचा कि यार बड़ा अच्छा लगता है जब आपके अपने मुल्क की चीज़ें हों. काफ़ी इंतज़ार के बाद खैर हमें ये पिज़्ज़ा सर्व हुआ, और साथ में था पास्ता 0 नंबर 2. ये बहुत बुरा बना हुआ था, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बनाने का सेंस नहीं था. खैर यहाँ पर
चलो जी, यहाँ पे शेर की खाला हमें नज़र आ गई, और खाला जी जो है ना वो बिल्कुल बैठी हुई थी, अपने पूरे काम कर रही थी। मतलब ये था कि हर जगह पे ये जाके बस इनको खाना चाहिए था और लोग इनको दे भी देते थे, लेकिन ये था कि इनकी आइज़ बड़ी प्यारी लग रही। कैट्स वैसे तुम लोगों में से किस किस को पसंद है कॉमेंट्स में करके बताओ। जिसको कैट पसंद है उसको हमारी तरफ से जो है ना कैट हम गिफ्ट करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप रख रहे हो तो उनका बड़ा आपको ख्याल रखना चाहिए। और इनके नखरे बड़े होते हैं, और नखरे इस तरह से होते हैं कि मार भी देती हैं, और जिन लोगों ने रखे हुए फिर वो स्कार्स और फेस काफ़ी ख़राब हो जाता है। रास्ते में गुजर रही थी तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू नज़र आया, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर जाके वीडियो शूट करते हैं। कबूतर बड़े प्यारे लग रहे थे, मैं कोशिश कर रही थी कि यार कोई एक कबूतर तो हाथ में आ जाए, लेकिन नहीं जी, कसम खाई हुई थी कबूतरों ने, कोई कबूतर मेरे हाथ नहीं आया, लेकिन बहुत सारे थे। तो मैंने ये सोचा कि भाई हम यहाँ पर जाते हैं, देखती हूँ कि क्या है यहाँ पर और कौन लोग हैं जिन्होंने इतना खूबसूरती से इसको रखा हुआ है। और ऊपर घर आप देखें कितने खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर, लेकिन खैर मैं अंदर जाके आपको विज़िट भी करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि ये, खैर मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए मैं वहाँ पर चली गई, और इतनी स्मेल थी वहाँ पर कि बस मैं मरते मरते बची, लेकिन फिर भी मैं अंदर गई ज़रूर। मैंने कहा यार देखते तो है कि है क्या भाई, क्या सीन है, क्या कैसे घर बने हुए। खैर मैं चली गई अंदर, बड़ी हिम्मत करके बहादुरी से मैं गई अंदर, और अंदर जाके मैंने फिर खैर खुद शूट किया। मैंने कहा चलो यार ठीक है, अब मतलब ये है कि आप खुद ही अगर मरना है तो कोई आप खुद मर जाओ, बाकी जो है ना ठीक है। खैर यहाँ पर काफ़ी स्मेल थी, कबूतर अंदर भी बहुत सारे कबूतर थे। जिन लोगों को शौक है ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई वैसे देखने की हद तक खूबसूरत बहुत लगते हैं, लेकिन हैरत की बात क्या है, हैरत की बात यह है कि जब मैंने इनसे पूछा कि कितना टाइम हो गया है इनको यहाँ पर रखे हुए, और क्या बात है लाइक एक जगह पे इतने साल यहाँ पर ये। अंकल ये कितने कबूतर हैं यहाँ पे, कितने कबूतर हैं टोटल? बैरिया वालों के हैं। अच्छा अच्छा तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? कितने टाइम? चार साल हो गए। अच्छा 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 नहीं ज़बरदस्त।